बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बजट में मोदी की गारंटी दिख सकती है। छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को फोकस करते हुए काफी बड़ी बड़ी स्कीम विष्णु देव साय के नेतृत्व में लाने जा रहे हैं। ये बजट आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रोड मैप होगा। हमारी रणनीति क्या होगी, विजन क्या है, इसको भी प्रस्तुत करने वाला बजट होगा। मैं तो लाइफ में टर्निंग्स पर बहुत भरोसा करता हूँ। जिंदगी सीधी सपाट नहीं हो सकती, फुल ऑफ टर्निंग्स होती है और हर टर्निंग को मैं एंजॉय करता हूँ। आज राजनीति में छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और रायगढ़ की जनता जनार्दन के जनादेश से मैं वित्त मंत्री के रूप में भूमिका निभा पा रहा हूँ और कल पहला बजट प्रस्तुत करूंगा। ये मेरे लिए बहुत गौरव का भी क्षण है और मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर भी है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। और कल के बजट में हम गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आएंगे और इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस के माध्यम से फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमारा विजन क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो, रणनीति क्या हो, इस पर एक रोड मैप भी मैं इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज मात्र नहीं होता, इस सरकार के विजन और रोड मैप को प्रदर्शित करने वाला दस्तावेज भी होता है। इस दृष्टिकोण से मैं बजट को प्रस्तुत करने का कल प्रयास करूंगा। हमारे कल के बजट तक का आपको इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा, बट एक बड़े लक्ष्य के लिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की स्पष्ट रणनीति के साथ, एक रोड मैप के साथ हम कल का बजट प्रस्तुत करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के डाटे साफ तौर पर कहते हैं आंकड़े कि वर्ष 2023-24 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 6.56% मात्र है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.32% का है जीडीपी के ग्रोथ का। पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ का कम है, वो तो खैर नेचुरल सी बात है, पहले एक लिगेसी चली आ रही है दशकों से, बट जो पर कैपिटा इनकम है छत्तीसगढ़ का, उसका ग्रोथ का रेट भी राष्ट्रीय औसत से कम है। तो निश्चित रूप से 5 साल में जो माफिया राज चला कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में, एक एनार्की थी, एक करप्ट सिस्टम था, उसके कारण से उसका दुष्परिणाम इकोनॉमी को भी झेलना पड़ा है। इकोनॉमी भी उससे हिट हुई है, उसी कारण से इकोनॉमी में साफ तौर पर स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजों को हम ठीक करेंगे। कल विष्णुदेव साय जी ने ऐलान किया कि कोयला में रॉयल्टी का जो ऑनलाइन सिस्टम था उसे जुलाई 2020 में कांग्रेस की सरकार ने ऑफलाइन बना दिया ताकि उनकी तिजोरियां भर सके, उनके एटीएम भर सके, उसको कल विष्णुदेव साय जी ने फिर से ऑनलाइन करने की घोषणा की। इसी तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे और उससे रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस को स्थापित करते हुए फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंश्योर करेंगे, उस पर फोकस्ड बजट होगा।